सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ड्रैगन्स मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके अपने माइनक्राफ्ट में 2 different types के ड्रैगन्स को ऐड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस मॉड को अपने सर्वाइवल मोड में भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। तो चलो गाइस, जल्दी से आपको शो कर देता हूं कि आप इस मॉड को कैसे यूज कर सकते हो। और एट दी एंड मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आपको कोई भी क्रिएटिव सीजन का स्पॉन एग नहीं मिलने वाला है। यहां पर तो आपको उनका एग को मतलब ऑब्टेन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बॉस है। आपको उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग शेयरिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद वो हैचेगा, यानी कि कम से कम आपको 1 to 2 days लग जाएंगे माइनक्राफ्ट को उसको हैच करने में। फिर वो एकदम छोटा बच्चा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होएगा। उसको बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर आप सैडल और आर्मर लगा के राइड भी कर सकते हो। पर हाँ, जैसे वो बच्चा भी रहेगा ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा। जैसे आपने किसी ज़ॉम्बी को हिट करा तो वो उसको भी मारना शुरू कर देगा। तो आप उसको बच्चे में लेके भी घूम सकते हो। वैसे गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे हैच कर सकते हो, क्योंकि हैच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो आपको उसको एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हैच करना आना चाहिए यहाँ पे। नहीं तो हैच नहीं कर पाओगे तो किस ड्रैगन को आप मतलब किस ड्रैगन के साथ आप घूमोगे। तो पहले तो यहाँ पे आपको एक ट्रॉल नाम का मॉब मिल जाएगा, जिसके साथ आपको जरूर से जरूर ट्रॉल करना पड़ेगा। यही हमारा बॉस जिसका नाम है ट्रॉल, और उसके साथ आपको ट्रॉल करके इससे आपको अपना जो स्पॉन है वो हथियाना है। और यहाँ पे जो ट्रॉल है ना, वो मैसा सॉरी हाँ, इसको स्वैम्प कहते हैं। तो स्वैम्प बायोम में वो स्पॉन होता है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रात में ना कि डे टाइम में, जब मैं रात कर ही देता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं टाइम को सेट कर दिया है मिड नाइट पे। और मे बी वो यहाँ पे स्पॉन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं नाइट विजन ड्रिंकिंग पोशन पी लेता हूँ। तो ये रहा हमारा नाइट विजन का 3 मिनट का पोशन, और यहाँ पे मैं इसको ड्रिंक कर लेता हूँ। वो कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे मैंने इसलिए पोशन पी लिया है ताकि आपको भी एकदम अच्छे से सब कुछ विजिबल हो। और मे बी यहीं कहीं वो स्पॉन हो जाएगा। आई थिंक उसके मतलब जो स्पॉन रेट है ना, बहुत कम चांस होगी, क्योंकि भाई वो अगर सारे इकट्ठा होने लग जाएंगे ना, तो आपकी मतलब गेम भी बहुत ज़्यादा लैग होगी। और तो उसकी जो हेल्थ है ना, वही बहुत ज़्यादा रहती है। खैर, यहाँ पे मेरे को अभी तक कोई भी एक तो नहीं दिख रहा है। और तो यहाँ पे अगर अपना गेम मोड को हार्ड में कर लो ना, तो यहाँ पे थोड़ा फायदा रहेगा, उसकी स्पॉन रेट बढ़ जाएगी। वो छोड़ो, यहाँ पे मैं डे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जब इसका स्पॉन एक पड़ा है तो क्यों ना इसका मजा उठाया जाए। तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि स्वैम्प में ही स्पॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्पॉन करता हूँ, और यहाँ पे आप इसकी हाइट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। तो मैं इसको शॉट से तो मारने बैठूंगा नहीं, यहाँ पे एक कमांड लिख दूँ /killAT, और यहाँ पे मेरे को जो इसका स्पॉन है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /killAT, और यहाँ पे वो आपको डायमंड्स वगैरह भी दे सकता है। पर देख सकते हो हमको पंपकिन पाया दिया है, और 2 स्टीव दे दिए, जो कि है बीटरूट सूप, और ये रहा हमारा लावा वाइब्रेंट एग। तो यहाँ पे हम इसको क्रिएटिव में भी ऑप्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पॉन एग सॉलिड सेक्शन में जल जाना है, और ये रहा हमारा नॉर्मल वाइब्रेंट एग 2। वैसे आप इसका किसी यूज नहीं है। खैर, यहाँ पे लावा डिस्प्ले एग, जिसको आप जैसे एंडर ड्रैगन के एग को एकदम मस्त शोकेस में रखना, तो वैसे आप इसको भी रख सकते हो। इसको भी मैं आपको ऑप्टेन करने का तरीका बताता हूँ। और ये रहा हमारा नॉर्मल वाइब्रेंट ड्रैगन, मतलब इसको स्पॉन कर सकते हो। ये रहा हमारा उसका एग, तो इसको भी ले लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक फ्लिंट एंड स्टील चाहिए, तो ये रहा हमारा फ्लिंट एंड स्टील। पोशन वगैरह फेंको भाड़ में, और यहाँ पे मैं टॉर्च भी लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को साथ ही साथ एक क्लॉक, नहीं छोड़ो, क्लॉक का कोई यूज़ नहीं, वैसे वो यूज़लेस है, पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, मैं आपको नीचे चल के बता दूंगा। और साथ ही साथ मेरे को और भी कुछ चीज़ चाहिए, नहीं यहाँ पे। और हाँ गाइस, यहाँ पे आपको 10 coordinate पे जाना पड़ेगा, जो कि बीच का coordinate आप देख पा रहे होंगे, जो कि 40 की लाइन में है। तो यहाँ पे आपको 10 पे डाल जाना, नहीं तो ये कुछ काम नहीं करेगा हमारा स्पॉन एग। और यहाँ पे मेरे को कुछ सा ब्लॉक भी ले लेना है, तो ये प्लैंक ही ले लेता हूँ, प्लैंक से काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर पानी आ चुका है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमको 10 तक चल जाना है। अगर आप 10 के ऊपर से स्पॉन करोगे, मैं आपको दिखाया था, मैं बता क्यों रहा हूँ। तो ये रहा लावा वाइवर्न एग, सॉरी ये तो हमारा स्पॉन करने का है, ये रहा हमारा सॉरी ये रहा डिस्प्ले एग। और इसको जैसे आप स्पॉन करोगे ना, तो यहाँ पर लावा में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही लावा है, तो ऑब्वियसली डिजॉल्व होएगा। तो यहाँ पे आपको 10 कोऑर्डिनेट पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको उसको डे टाइम में स्पॉन करोगे ना, तब भी ऐसा ही कुछ होने को आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसको स्पॉन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिडनाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि रात में थोड़ी ठंडक रहती है। कोई नहीं, उसका मेरे को लगता नहीं कुछ सेंस बन रहा होगा। और ये रहा हमारा वाइवर्न एग, तो इसको स्पॉन करते हैं। और यहाँ पे जैसे स्पॉन कर दोगे ना, आपको ये आग को बुझा देना, नहीं तो ये उसी के अंदर मर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आग थी, मैंने उसको बुझा दिया है, और ये उसको मारने ना लग जाए, क्योंकि अच्छा मैंने उसको टेमिंग का करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर हीट लग चुकी है। और यहाँ पे मैं कमांड ब्लॉक लगा देता हूँ, ताकि मैं अपने जो टाइम है उसको फटाफट से पास कर पाऊँ, क्योंकि इसको हैच होने में कम से कम 1 to 2 days लगेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ /givATP कमांड ब्लॉक।
यहाँ पे लिख दिया स्लैश गिव एट पीस और रिपीटिंग कमांड ब्लॉक लेते हैं डायरेक्टली आर पी सॉरी कमांड ब्लॉक लेते हैं सी डबल एम ए एन डी कमांड और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर देके लिख देना ब्लॉक ये हमारा कमांड ब्लॉक और यहाँ पे टॉर्च भी लगाते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं उसके अंदर स्लैश कमांड मतलब कमांड डालेंगे यहाँ पे जिससे कि टाइम बहुत ही फटाफट पास होएगा तो यहाँ पे लिख देना टाइम ऐड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 ताकि बहुत फास्ट यहाँ पे हमारा टाइम पास होना शुरू हो जाए और यहाँ पे मेरे को साथ ही में एक ले लेनी लीवर जिससे कि मैं इसको रिपीटिंग कर पाऊँ तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली रिपीट वाला भी ले सकता था पर उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता तो ये रहा हमारा इंपल्स को रिपीट पे कर देते हैं और यहाँ पे लीवर लगाते हैं और उसको चालू कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हो एज यू कैन सी ये हिलना शुरू हो चुका है वैसे यहाँ पे इतना फास्ट टाइम गुजर रहा ना कि तब भी आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया वैसे अगर आप इसको बिना कमांड वमांड के खेलोगे ना तो ये बहुत टाइम लगेगा हैच होने में और यहाँ पे वापस आपको कुछ दिन और रुकना ताकि ये हैच हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको और स्पीड में कर देता हूँ स्पीड में करना चाहिए कि नहीं वो छोड़ो यहाँ पे देखते हैं स्पॉन होने में कितना टाइम लगता है और ये कौन सा भाई ये मुँह में भरा जा रहा है बार बार तो यहाँ पे मैं और गाइस फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा एग है उसमें से हमारा जो ड्रैगन है वो हैच हो चुका है जो कि बहुत सा क्यूट लग रहा है इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और यहाँ पे आपको उनको मतलब टेम करने के लिए यहाँ पे आपको उनको कॉर्ड लेनी पड़ेगी और यहाँ पे देखो मैंने इसको मतलब कॉर्ड खिलाना शुरू कर दिए वैसे आप इनसे इसकी हेल्थ को भी रिफिल कर सकते हो और ये कमांड ब्लॉक छुपी नहीं हो रहा अच्छा मैंने बंद कर दिया था क्या सॉरी तो यहाँ पे वापस हमारे जो टाइम उसको डे करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट ही हो रही होगी क्योंकि मेरे नसीब में रात ही लिखी है तो वापस से यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और मैं यहाँ से ऊपर आया था ना हाँ आई थिंक सो मैं यहीं से ऊपर आया था तो कोई नहीं मैं वापस से ऊपर जाना शुरू हो चुका हूँ बीच में टॉर्च लगा देते हैं वैसे मेरे को ऊपर तक का सब कुछ विजिबल है और यहाँ पर मैं ऊपर तक तो आ ही चुका हूँ और यहाँ पर वापस से हम जो हमारा वाइवर्न एग नहीं यहाँ पर हमको एक डिस्प्ले एग भी जिसको आप वापस से इसको यूज़ करते हो आपको कुछ भी नहीं करना जैसे आप अपने अपने एग को प्लेस कर देता हूँ उसके ऊपर आपको बकेट डाल देनी विथ वाटर क्योंकि देखो लावा का जो भी मतलब वीकनेस है वो तो है वाटर तो वो कभी भी हैच नहीं होएगा तो आप उसको शोकेस में भी रख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक वाइवर्न एग लूँ कि नहीं लूँ वैसे आपके साथ टेलीपोर्ट हो जाएंगे जैसे वुल के ऊपर टेक्निक काम करते ना वैसे यहाँ पर भी टेक्निक काम करने लग जाएगी पर हाँ गाइस जितना हैच होने में टाइम लगाना उससे 10 गुना ज़्यादा इसको बड़ा होने में टाइम लगा पर उस वो जो बड़ा होने की स्पीड है ना आप उसको देख सकते हो मतलब ये हमारा ड्रैगन बहुत छोटा था अब इतना बड़ा हो चुका है वो सब आप देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मैं कोई स्पॉन ले लेता हूँ जैसे कि हंस के तो इसको हम अच्छा मतलब बहुत तगड़ा मारेंगे तो यहाँ पर मैंने एक को स्पॉन कर दिया और वो ड्रैगन कहाँ गया देखो उसको भी मारना शुरू कर चुका है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा इनका मतलब अटैक डैमेज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो चलो गाइस मैं जैसे आपको शो कर देता हूँ कि आप इस मोड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो और हाँ जैसे ही बड़ा हो जाए यहाँ पर आपको उसके ऊपर सैडल लगा देनी और एक नेदरराइट का हॉर्स आर्मर जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसको कुछ भी नहीं करना क्राफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक नेदरराइट का इंगट ही लेता हूँ तो यहाँ पे क्राफ्टिंग खोलते हैं और सिर्फ क्राफ्टिंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा ईजी है हद से ज़्यादा ईजी पर उसको मतलब नेदरराइट इंगट ऑप्टेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये रहा हमारा नेदरराइट का हॉर्स आर्मर हॉर्स नहीं ड्रैगन आर्मर तो इसके ऊपर आपको इक्विप करना है और एज यू कैन सी इसकी हेल्थ कम हो चुकी है तो मैं इसको कॉर्ड खिला के इसकी हेल्थ वापस से भी इंक्रीज कर सकता हूँ ये रहा हमारा कॉर्ड और इसको खिलाते हैं उसकी हेल्थ इंक्रीज करते हैं क्योंकि इसने हमारी जंग में बहुत ज़्यादा मदद करी है तो ये बहुत ज़्यादा कॉर्ड खाते हैं वैसे बहुत कॉर्ड यूजलेस है कोई नहीं खाता तो यहाँ पर मैं 7 क्विट कर देता हूँ और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुए कुछ एक्सट्रैक्टिंग की दिक्कत पड़े तो डोंट वरी मैंने स्टूडियो बना रखे ऑटो इंस्टॉल मॉड्स उसको आप जाकर देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है सिंपली अपना माइनक्राफ्ट को ओपन करना है और यहाँ पे करनी है क्रिएट न्यू वर्ल्ड या फिर आप इस मॉड को अपने प्री एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी इस मॉड को यूज कर सकते हो और यहाँ पर आपको गेम सेटिंग्स में स्क्रोल ऑन कर मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट्स जिनको हम एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले भी कहते हैं तो यहाँ पर आपको हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स क्रिएशन ऑफ कस्टम बॉम्ब्स और लास्टली एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज तीनों को बारी बारी करके टर्न ऑन कर देना है और एडवांस सेक्शन में यहाँ पर आपको रिसोर्स पैक में मिल जाएगा ड्रैगन्स 2 रिसोर्स तो सिंपली इसको एक्टिवेट कर दीजिए सेम एज बिहेवियर पर हाँ गाइस यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहेगा इट मीन्स यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स भी टर्न ऑफ नहीं होंगे मेरे को ऐसा लगता है और अगर नहीं एक्टिवेटेड हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको उसको एक्टिवेट कर देना और लास्टली यहाँ पे आपको अपने वर्ल्ड को क्रिएट करना है और जैसे यहाँ पे अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर दोगे यहाँ पर जो आपका मॉड है वो एकदम 100% वर्क करेगा बट इन एनी केस अगर मॉड वर्क नहीं करे तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।